हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र के दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। कई बार जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। नोकझोंक के साथ साथ आज आमरण अनशन की चेतावनी भी दे दी गई है। दरअसल चुरा से बीजेपी के विधायक हंसराज ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि विधायक विकास निधि को लागू नहीं किया गया या बहाल नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन पर जाएंगे। अगर सरकार नहीं विकास निधि को लागू करती है तो वो धरने पर बैठ जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी, जरूरी हुआ तो आमरण अनशन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले पूर्व मंत्री और पांवटा साहिब से बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी ने नियम 67 के तहत सदन में प्रस्ताव लाया और ऑफिस डी नोटिफाई करने के मसले पर चर्चा की मांग की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नियम 67 पर अब रूटीन जो है बनकर रह गया है, विपक्ष इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने इस विषय पर चर्चा की मंजूरी देने की बात कही। आपको बता दें कि स्पीकर ने भी विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आज कार्यसूची सस्पेंड कर इस पर चर्चा की मंजूरी दी है। सुखराम चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में पूर्व सरकार को कुछ भी करने का मौका नहीं मिल पाया था क्योंकि लॉकडाउन जो है उस समय देखने को मिला था। अंतिम साल में ही सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए सभी फैसले लिए थे और ये महत्वपूर्ण जितने भी निर्णय थे ये लिए गए थे। जितने संस्थानों को खोला गया वो सभी महत्वपूर्ण था, सरकार बदलते ही उन पर ताला जड़ दिया गया। इससे जनता को अब असुविधा का सामना करना पड़ रही है। यानी जो सुखराम चौधरी हैं वो कुल मिलाकर ये कहते हुए नजर आए हैं कि यदि अंतिम वर्ष में सरकार ने फैसले लिए थे, अंतिम वर्ष में संस्थान खोले गए थे, उसके पीछे का बड़ा कारण ये था कि पिछली सरकार को जो है ज्यादातर समय लॉकडाउन में गुजारना पड़ा था। महामारी के कारण कई इंपॉर्टेंट फैसले नहीं लिए जा सकते थे और क्योंकि समय का अभाव था अंतिम वर्ष में, तो ऐसे में संस्थान अंतिम 9 महीनों में ही खोल दिए गए थे। आपको ये भी बता दें कि इस पर जो है कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने कहा है कि विपक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए प्रस्ताव लाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने अंतिम 6 महीनों में राजनीतिक लाभ लेने के लिए 900 संस्थान खोले। 4 उपचुनाव में मिली हार के बाद लोगों को ठगने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दफ्तरों को खोला गया। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1800 करोड़ रुपए के घाटे में है। आपको यह भी बता दें कि भाजपा सरकार में ही 6 महीने में 33 डिवीजन खोल दिए गए जबकि बोर्ड में 10,000 फील्ड स्टाफ की भारी कमी है। कांग्रेस के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा है कि जब देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी तो भाजपा को बार बार ऋण क्यों लेना पड़ा, भाजपा सरकार क्यों केंद्र से कोई आर्थिक पैकेज जो है लेकर आ सकी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की आर्थिक स्थिति की चिंता है इसलिए कड़े फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से लिए जा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि नियम 67 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक संजय रतन ने कहा कि सरकार ने राजनीतिक रोटियां सेकने को अंतिम साल में 900 दफ्तर खोले, कहां एक विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम और बीडीओ कार्यालय होने चाहिए, लेकिन पूर्व सरकार ने चहेतों को लाभ देने के लिए कई एसडीएम और बीडीओ कार्यालय खोल दिए। अगर सरकार ने संस्थान खोले थे तो जनता उसका लाभ उठा सकती थी और आज भाजपा उधर नहीं इधर बैठी होती। तो बड़ी बात जो है संजय रतन कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यदि कुल मिलाकर चर्चा की बात करें तो प्रदेश में सुक्खू सरकार बनने के दूसरे ही दिन कांग्रेस विधायक दल की 12 दिसंबर को सचिवालय में मीटिंग हुई। इसमें 1 अप्रैल 2022 इसके बाद खोले गए सभी दफ्तर डीनोटिफाई करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद सरकार ने विभिन्न विभागों के 650 से ज्यादा दफ्तर बंद कर दिए। 2 संस्कृत महाविद्यालयों को मिलाकर 19 कॉलेजों पर ताला जड़ दिया गया और अब लगभग 300 स्कूलों पर भी ताला जड़ने की तैयारी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि दफ्तर बंद करने को लेकर विपक्ष सभी जिलों में आक्रोश रैली भी निकाल रहा है। जगह जगह पर प्रदेश में बीजेपी की आक्रोश रैली देखने को मिली है। आज इस मुद्दे को बीजेपी विधायकों ने सदन के भीतर भी उठाया और इस पर सदन में चर्चा भी हुई। आपको बता दें कि कुल मिलाकर यदि दफ्तर बंद करने की बात हो, विधायक निधि को लागू करने की बात हो, 2 दिन सदन की कार्यवाही को हो चुके हैं। पहले दिन विपक्ष की तरफ से चर्चा जो है यानी स्थगन प्रस्ताव जो है विधायक निधि के लागू ना होने पर लाया गया और आज एक बार फिर से जो है स्थगन प्रस्ताव लेकर जब विधायक पहुंचे हैं तो उसके बाद जो है चर्चा की मांग की गई, चर्चा को मंजूरी भी दी गई। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अब जो है ये एक इस्तेमाल ही जो है नियम 67 का किया जा रहा है जिसके बाद चर्चा को जो है मंजूरी दी गई और कुल मिलाकर चर्चा हुई भी। इसी तरीके की तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स लेकर नेशन स्पीक्स यूं ही हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।